बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर डियर एस्पिरेंट। आज 5 जनवरी है और आज मेरी बर्थडे थी। आप लोगों ने मुझे बहुत विश किया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया डियर एस्पिरेंट्स। बाकी जजेस के जो चैनल्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरे जजेस के भी, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जब एक नया लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस पे मेहनत भी की है तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेस्ट वे में गाइड कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन क्या है? देखें, बात यह है कि कोई भी पार्टी, खुसूसन वो पार्टी जो जिसकी लिटिगेशन फॉल्स एंड फ्रीवलस है, वो कभी भी सीधी सीधी बात नहीं लिखेगी अपनी प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि उसने दावे को जो है वो तूल देना है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है वो लॉ जो है वो पावरलेस नहीं है, ठीक है। तो कानून ने ऐसे रास्ते रखे हैं कि अगर उसने कोई बात जो है वो नहीं मेंशन की उसमें अपनी प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट में, तो फिर कोर्ट उस पार्टी को कंपेल कर सकता है कि वो एक सर्टेन फैक्ट को जो है वो एडमिट करे, ठीक है। देखें, जो जो एविडेंस आता है या जो प्रोसीडिंग होती है वो दो नज़रिए से होती है। एक तो ये है कि अपनी प्लीडिंग को या अपने केस को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और दूसरा ये है कि दूसरी पार्टी का जो स्टांस या जो एविडेंस है उसको क्या किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की रेमडीज दी गई हैं कि वो बात जो कि उसने नहीं लिखी या जिसकी एक्सप्लेनेशन कोर्ट चाहती है, तो वो बहुत सारी रेमडीज हैं। मसलन, एक हमने ऑर्डर 6 रूल 5 पढ़ा था और वो ये कहता था कि भाई अगर जो है वो अगर वो जो है उसने रूल 2 और 4 जो है ऑर्डर 6 की उसकी कंप्लायंस नहीं की और उसने जो है वो फैक्ट्स एज पर डेट रूल्स नहीं लिखे, मटेरियल पार्टिकुलर्स नहीं दिए, तो रूल 5 के तहत कोर्ट उसको जो है वो बेटर स्टेटमेंट का जो है ऑर्डर 6 रूल 5 के तहत कोर्ट उसको बेटर स्टेटमेंट का जो है वो कह सकता है। तो ये एक रेमडी थी कि एक पार्टी को ये कंपेल करने के लिए कि भाई आप इस चीज़ को जो है वो मज़ीद एलेबोरेट करो या इसको जो है वो एडमिट करो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक और जो पढ़ा था, एक और जो रेमडी थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, वो ऑर्डर टेन एग्जामिनेशन था, और वो हमने पढ़ा था कि उसके दो हिस्से थे कि या तो वो प्लीडिंग के हवाले से था कि आप स्पेसिफिकली किसी फैक्ट को एडमिट करो या डिनाई करो, और फिर हमने रूल 2 में देखा था कि कोर्ट एक पार्टी को वैसे भी ओवरऑल जो है वो क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है इन ऑर्डर टू सर्टन फैक्ट्स, उसको बुला सकती है, और अगर वो नहीं आएगा तो कोर्ट उसके अगेंस्ट जो है ऐसे समझेगी जैसे कि वो उसके बिहाफ पे भी कोई नहीं आया और वो भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एनी हाउ, अच्छा इसके अलावा और भी हम पढ़ेंगे आगे चल के रेमडीज। अब एक जो रेमडी है ना वो है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। अच्छा, जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ है ना, इसके ना दो हिस्से हैं। एक है डिस्कवरी ऑफ सर्टेन फैक्ट और एक है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि एक डिस्कवरी से जो है वो मुराद क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको जो है वो यही जो सीपीसी है इसके एंड पे डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में कुछ परफॉर्मे दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो आप अगर सीपीसी के एंड पे जो अपेंडिक्स सी है और उसके फॉर्म 2 पे जाएं, ठीक है,
तो आपको वहां पे ये वाला फॉर्म मिलेगा, ठीक है। बेसिकली जो ऑर्डर 11 है उसका जो रूल 4 है वो बताता है कि जो इंटेरोगेटरीज होंगी उनका तरीकेकार क्या होगा, ठीक है। जबकि अच्छा क्या तरीकेकार होगा, अब इंटेरोगेटरीज बेसिकली हैं क्या, डिस्कवरी का एक मोड है, ठीक है। और वो मोड क्या है या वो डिस्कवरी कैसे करेगा, वो इस तरह से है कि आप दूसरी पार्टी को क्वेश्चनर देंगे, आप उसको अपनी मर्जी के सवाल बना के देंगे, आप सोच के उसको सवाल देंगे कि अगर ये इस सवाल का जवाब दे देना तो मेरे साइल का दावा जो है वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। बाहर के कंट्रीज में जो पार्टीज होती हैं उनके लिए प्लीडिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्गूमेंट्स वो मानी नहीं रखता। उनके लिए सबसे ज्यादा जो अहमियत होती है वो इस इन इंटेरोगेटरीज की होती है। उनके लिए वरी वाली जो बात होती है वो ये होती है कि अगर दूसरा वकील हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमने उसका जवाब क्या देना है। इसीलिए वो इस फील्ड के लिए अलग से अपना वकील हायर करते हैं और जो कोर्ट में जाके लिटिगेशन करता है उसके लिए वो अलग एक्सपर्ट जो है उसकी वो सर्विसेज को हायर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म है। न से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक आपको पता है कि इस बंदे ने जानबूझ के अपने जवाब दावे के अंदर जो है ना वो कब्जे के बारे में नहीं लिखा, ना डिनाई किया है ना एडमिट किया है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये बात रिकॉर्ड के ऊपर आए ताकि आप कोर्ट को अगली बात कहें, ताकि आप कोर्ट को कहें कि जी इसने मेरा पोजेशन एडमिट कर लिया है या इसने चूंकि स्पेसिफिकली डिनाई किया है तो आप बेशक कमीशन अपॉइंट कर दें, या और सर्टन फैक्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि अगर इसकी तरफ से उसकी तफसील आ जाए तो ये जो दावा है ये जो बड़ा इजीली और जल्दी जो है वो डिसाइड हो जाएगा। बेसिकली ये चीज़ें लाने का मकसद ये है, शॉर्ट ऑन द ट्रायल, कि ट्रायल जो है वो जल्दी, बाय एलिमिनेटिंग दी फॉल्स एंड फ्रिवलस लिटिगेशन, के ट्रायल जो है वो जल्दी डिसाइड हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने सवाल बनाएंगे, हाँ भाई क्या दुरुस्त है कि आपने एग्रीमेंट किया था, हाँ या ना, ठीक है, इसका हाँ या ना में जवाब दें। अच्छा क्या ये दुरुस्त है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जो थे वो आए थे, ठीक है। अच्छा जी क्या दुरुस्त है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो हुई है, ठीक है। अब ये केस पे डिपेंड करता है ना, ये एक केस पे डिपेंड करता है कि उसके क्या फैक्ट्स हो सकते हैं और उसकी बुनियाद पे एक वकील साहब क्या जो इंटेरोगेटरीज जो हैं वो बना सकते हैं। अब यही प्रोफार्मा आपके सामने है, देखें इसमें क्या होगा, इंटेरोगेटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द नेम्ड ऑफ द प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट। सबसे पहले वो बंदा, वो पार्टी जो के वो सवालनामा, वो इंटेरोगेटरी जो है वो दे रहा है कोर्ट में, ठीक है, उसका नाम आ गया। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द अबव नेम्ड, और वो बेसिकली ना ये इससे ऊपर वो केस का टाइटल लिखा जाएगा, इससे ऊपर केस का क्या लिखा जाएगा, टाइटल लिखा जाएगा, तो वो ऊपर नाम आ चुका है उन डिफेंडेंट्स का जिनके अगेंस्ट जो है वो आ चुका है। एक मिनट मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ना, ये अपेंडिक्स सी है, तो इसमें ये इसको आप छोड़ेंगे, देखें इन द कोर्ट ऑफ, सबसे पहले वो अदालत का नाम आ गया, सिविल सूट नंबर, ये अब एक पार्टी क्या कर रही है, सवालनामा दे रही है, केस की डिटेल आ गई। अब ए बी, ये जो प्लेंटिव दे रहा है, जो प्लेंटिव जा दे रहा है उसकी डिटेल आ गई, अगेंस्ट और जिसके खिलाफ दे रहा है, नीचे वो डिफेंडेंट्स आ गए जिसके अगेंस्ट वो क्या देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, ठीक है। तो सुप्रा का मतलब ये है कि ये जो ऊपर टाइटल लिखा गया है उसको भी आप लिखेंगे और उसके एडिशन में आप ये चीज लिखेंगे, क्या, इंटेरोगेटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द अबव नेम्ड प्लेंटिफ आर डिफेंडेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द अबव नेम्ड डिफेंडेंट अगेंस्ट जिनके है, ठीक है। अब नीचे वो क्वेश्चंस जिसके उसने क्या करना है, जवाब देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा फिर ये क्वेश्चन जो है ये उन डिफेंडेंट्स में किस किसने जवाब देना है, ये नीचे लिखा जाएगा, डिफेंडेंट ये वाला जो है इज रिक्वायर्ड टू आंसर द इंटेरोगेटरीज नंबर 1,
और डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द इंटरोगेटरीज। ये मसलन आपने 10 सवाल किए तो 10 सवालों में कौन सा जवाब किस डिफेंडेंट ने देना है वो भी आपने उसके अंदर क्या करना है, मेंशन करना है। बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है, होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई। लो मैंने उर्दू में भी निकाल लिया ताकि हम उसको एक दफा फिर देख लें। सिलसिला सवालात मिन जानब ऊपर नामजद करदा मुद्दा ये मुद्दा ले गया आ गया, नहीं किया था नहीं किया, यानी वो मिसालें दे रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, और इसका ये जवाब देगा इसका ये जवाब देगा। क्यों बच्चों बोलो मुझे बताओ, आपको समझ आ गई है? तो ये हमने इंटरोगेटरीज देखी। बेसिकली सवाल ना माया क्वेश्चनर है, आप जैसे मर्जी बना लें, और अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको अप्लाई करें। आप बहुत इंजॉय करेंगे जब आप दूसरी पार्टी को इस तरह से फोर्स करेंगे ना कि उसको ऑर्डर 10 के जरिए इनके एग्जामिन करवाएंगे और ऑर्डर 11 के जरिए जो है वो आप उसको सवालनामा देंगे और वो मजबूर हो जाएगा उसका जवाब देने के लिए, तो उसका फिर आपको जो है वो बहुत बेनिफिट होगा। आगे जाकर मैं ये भी बताता हूँ कि अगर वो जवाब नहीं देगा तो फिर उसका क्या होगा। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर वो जवाब नहीं ना देगा, अगर वो उस सवाल का जवाब नहीं, मसलन वो फिर गोलमोल जवाब देता है, तो कोर्ट जो है उसको एक दफा फिर वाजे करने का, वाजे जवाब देने का ऑर्डर कर सकती है, या कोर्ट उसको बेटर स्टेटमेंट का ऑर्डर कर सकती है, या कोर्ट उसको जो है वो क्या कहते हैं वो ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन के लिए बुला सकती है कि अब तुम कोर्ट में आ जाओ मैं तुमसे सवाल करूंगा। ठीक है, तो ये कोर्ट की पावर्स हैं उससे उस बात का जो है वो जवाब निकालने के लिए। ठीक है, अच्छा अब बात यह है कि उसने जो जवाब देना है वो कैसे देना है, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो जो हम देख रहे थे ये अब फॉर्म 3 जो है वो आंसर टू इंटरोगेटरीज है। अब वो उसका जवाब कैसे देगा, वो कहेगा ऊपर उसी तरह लिख के वो कहेगा द आंसर ऑफ द अबव नेम्ड डिफेंडेंट टू इंटरोगेटरी फॉर इज एग्जामिनेशन बाय द अबव नेम्ड प्लेंटिफ, यानी जिस प्लेंटिफ ने उसके दी थी इंटरोगेटरी, इन आंसर टू द सेड इंटरोगेटरीज इन अबव मेक ओन ओथ। अच्छा ओन ओथ देना है उसने, उसने एफिडेविट के साथ उसने उसका क्या करना है जवाब देना है। ठीक है, तो फॉलोइंग अब वो नीचे उनका वो नंबरिंग के साथ क्वेश्चन करेगा और वो नंबरिंग के साथ उसका क्या देगा जवाब देगा, और अगर वो किसी इंटरोगेटरी का जवाब नहीं देना चाहता इस बुनियाद पे कि ये इररिलेवेंट है, ये स्कैंडलस है या फ्रिवलस है या ये इस स्टेज के ऊपर रेलिवेंट नहीं है, तो फिर उसके ऊपर वो क्या करेगा, आई ऑब्जेक्ट द आंसर टू आंसर द इंटरोगेटरी नंबर ये ऑन द ग्राउंड स्टेट द ग्राउंड। बच्चों बोलो बोलो समझ आ गई आपको? तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने उसका जो है वो आंसर पढ़ लिया। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने अभी तक जो है वो हमने एक देखा है कि डिस्कवरी बाय इंटरोगेटरी जो होती है उसका स्पेसिमन क्या होता है, वो एक सवालनामा होता है जिसमें जो सवाल कर रहा होता है, जो कोर्ट के थ्रू उसका आंसर चाह रहा होता है उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, और वो जिससे जवाब चाह रहा होता है उनका नाम लिखा होता है, और वो सवालात होते हैं जिसका उसने क्या होता है उसने जो है वो जवाब मांगा होता है। ठीक है, हो के आपको इस बात की भी जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो पढ़ लेते हैं कि जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन है। ठीक है, अब अच्छा मैं ना आपको सेक्शन 30 में लेके आया हूँ जो बेसिकली ऑर्डर 11-12 जो है उसकी बेस है। ठीक है, सेक्शन 30 CPC का क्या कहता है, वो कहता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवर एंड द लाइक subject to such conditions and limitation as may be prescribed, the court may at any time either of its own motion, either of its own motion। तो अब ये बात है कि पार्टीज को क्वेश्चन कौन कर सकता है, पार्टीज को इंटेरोगेटरीज कौन दे सकता है। ठीक है, कोर्ट खुद से भी और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के कहने पे भी कोर्ट उसको कर सकती है और खुद से भी कर सकती है, बल्कि अब एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। अभी हम उसको जब पढ़ेंगे ना ऑर्डर 11 को जो अमेंडमेंट आई है, तो अब कोर्ट ने उसके लिए मंडेटरी है कि कोर्ट क्या करे कि एक दिन रखे और पार्टियों को कहे कि तुम उस दिन जो है वो क्या करो कि इंटेरोगेटरीज जो है वो अपनी जमा करवाओ। ठीक है,
पार्टीज देने या ना देने की पाबंद नहीं है, लेकिन कोर्ट उनसे पूछने की पाबंद है। मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू द फ्री एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेटरीज। देखा कोर्ट द एडमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स। ये क्या है, ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये ऑर्डर 12 है। एंड डिस्कवरी इंस्पेक्शन प्रोडक्शन, डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कौन सा है? ये भी ऑर्डर 11 है। एंड प्रोडक्शन इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ ये ऑर्डर 13 है। या अदर मटीरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेबल एज एविडेंस एफिडेविट, ये ऑर्डर 19 है। तो 16 और 19 है, ये बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर्स का जो मजमू है, वो जो ये जो रूल क्लॉज ए है, ये इसका जो है वो बात है। तो हमने एक और बात भी, हमने इंटरोगेटरी समझ ली कि होती क्या है, हमने देख लिया कैसे लिखी जाती है, हमने देख लिया उसका जवाब कैसे आता है, हमने देख भी लिया कि जो है वो कि वो कोर्ट खुद से भी ऑर्डर कर सकती है कि भाई मेरी इंटरोगेटरीज का जवाब दो, ठीक है। और कोर्ट जो है वो पार्टीज को भी कह सकती है कि अगर आपने इंटरोगेटरीज देनी है दूसरी पार्टी के लिए तो आप दो। अब हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर कोर्ट खुद से देना चाहता है तो फिर कोर्ट जब ऑर्डर 10 की कार्रवाई मुकम्मल करेगा और ऑर्डर 11 के लिए रखेगा कोर्ट उस फाइल को, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पार्टीज को बता देगा कि ये वाली पार्टी अगली डेट पे इस इंटरोगेटरी का क्या करे, जवाब दे, ठीक है। और इस बात का कोर्ट जिक्र करेगी किस में, फॉर्म 13 जो मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है। फॉर्म 13 जो कि अब हर दावे के साथ लगना जरूरी है, ठीक है, उसमें ये देखें जरा, फॉर्म 13 आया ना आपके सामने, केस मैनेजमेंट सिस्टम, दावे की डिटेल ये आ गया, ठीक है। अब कोर्ट को, ये कोर्ट ने फिल करना है, सुवन टू दी ऑर्डर 9A एज केस मी शैल सबमिट केस मैनेजमेंट स्टेटमेंट एज अंडर, वेदर द प्लेंटिफ डिफेंडेंट, नहीं ये नहीं, तीसरे पे आए, ये द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट शुड आंसर द फॉलोइंग इंटरोगेटरीज इन टर्म ऑफ ऑर्डर 11। ये वो इंटरोगेटरीज हैं जो के कोर्ट ने, जो के कोर्ट ने खुद से देनी है किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कि आपने इनका जवाब दो। तो कोर्ट फॉर्म 13 में भी उनकी एंट्री करेगा और अपने ऑर्डर में भी उनका क्या करेगा, जिक्र करेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर अगर पार्टीज ने देनी है तो उसका क्या तरीकेकार होगा। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं कोर्ट ऑर्डर्स के नाम से, ना सिविल कोर्ट ऑर्डर्स के नाम से, तो हम इंशाल्लाह रोजाना का एक ऑर्डर किया करेंगे। हम सीपीसी कर चुके लेकिन अब हम उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे किया करेंगे, हम रोजाना का एक ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। अच्छा जी, हम इस तरह से शुरू करते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट आ गई तो अब अगला फेज शुरू होना है कौन सा, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग वाला। अब थोड़ी देर के लिए ये देखिएगा, जो एडवांस जज है उसने सबसे पहले केस को रजिस्टर किया, समन किया और उसने उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट मंगवाई। अब रिटर्न स्टेटमेंट मंगवाने के बाद कौन सी प्रोसीडिंग शुरू होगी, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में कौन कौन सी प्रोसीडिंग है, ऑर्डर 10, 11 एंड 12, ठीक है। अब एक सिचुएशन को आप समझें कि रिटर्न स्टेटमेंट आ गया तो कोर्ट ने अब ऑर्डर करना है सबसे पहले ऑर्डर 10, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। जरा देखिएगा, डेट आ गई, पार्टीज का नाम आ गया, टुडे द केस इज फिक्स फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट एंड द सेम इज सबमिटेड, जवाब दवा क्या आ गया, वो सबमिट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, ये देखें, हमने 9A में पढ़ा था ना, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द प्लीडिंग, जब दोनों का रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी एक की प्लेंट दूसरे का रिटर्न स्टेटमेंट आ गया या सबसीक्वेंट रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, एक दिन ऑर्डर 10 के लिए रखेगी, एक दिन ऑर्डर 11 के लिए रखेगी और एक दिन ऑर्डर 12 के लिए रखेगी, ऐसे है ना। और तीन दिन से ज्यादा की जो है वो डेट जो है वो कोर्ट नहीं करेगी, ऐसे ही है बच्चों, ठीक है। तो
Today, the case is fixed for submission of a written statement by the defendant and the same is submitted along with the written statement following documents are annexed. देखिए उसने जो written statement के साथ documents हमने सारा पढ़ा हुआ है, एक तो written reply of application दिया उसने, फिर उसने फोटो कॉपीज लगानी है जिसपे वो रिलाई कर रहा है, याद करें ऑर्डर 8 रूल 1 में हमने पढ़ा था, फिर साथ में उसने लिस्ट ऑफ रिलायंस लगानी है, याद करें ऑर्डर 8 रूल 1 में पढ़ा था, ठीक है। ये ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने आप लोगों के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ सके इसकी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और उसने क्या लगाना है जी, इसके अलावा और उसने क्या करना है, फिर उसने सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड ऑल अबव मेंशन लिस्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर ईच प्लेंटिव। अब ऊपर जो भी उसने लिस्टें दी हैं या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसकी उसने सेट देनी है किसके लिए, फॉर ईच प्लेंटिव, हर प्लेंटिव के लिए, एंड फॉर कोर्ट और एक कोर्ट के लिए, और ये हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन 26 ए और ऑर्डर 8 रूल 1 बी में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या करना है, केस मैनेजमेंट फॉर्म 15 ये भी हमने पढ़ना है, ये भी उसने देना है। उसने क्या देना है जी, उसने एक फर्द पता, याद करें फर्द पता और स्पेसिमन भी आपको दिखाया था ऑर्डर 8 रूल 11 के तहत, फिर उसने लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव देनी है, वो कौन से प्रोविजन के तहत देनी है, ऑर्डर 8 रूल 13। तो बच्चों मैंने देखी ये मेरे कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैंने वो लिखा है कि उसने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ये डॉक्यूमेंट जो है वो लगाए हैं, अगर वो नहीं लगाएगा तो मैं उससे रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं लूंगा जब तक वो उसको मुकम्मल नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं अगला पैरा देखता हूँ, Readings of the parties are closed. बच्चों वो वाली प्रोविजन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द प्लीडिंग, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट आ गया तो फिर मैंने क्या करना था, नाउ इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर 9A रूल 1 क्लॉज ए ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द केस इज हियर बाय अर्जेंट फॉर 5/1/2021 फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 10 ऑफ द सीपीसी। बोले समझ आ गई आपको मेरी बात की, कि मैंने उसके बाद उसको किसके लिए ऑर्डर 10 के लिए रख लिया, ठीक है। अच्छा, वो भी बताता हूं आगे, टू रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट हैज रेज्ड अ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन दैट इंस्टेंट सूट इज नॉट मेंटेनेबल, हेंस इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11A ऑफ सीपीसी आल्सो कम अप फॉर आर्गुमेंट रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ इंस्टेंट सूट। बच्चों याद करो हमने पढ़ा था, अब वो सेपरेट 7-11 की एप्लीकेशन नहीं दे सकता, अगर उसने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दिया है तो अब कोर्ट उसी को उठा के चलेगी। तो मैंने उसके रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद ऑर्डर 10 के लिए तो दावे को रखा ही रखा है, साथ मैंने उसके ऑब्जेक्शन 7-11 का जो ऑब्जेक्शन था उस पर भी बहस के लिए रख दिया। अब अगली डेट पे हो सकता है मैं ऑर्डर 10 की कार्रवाई ना करूं, मैं वैसे ही उसको मेंटेनेबिलिटी के ऊपर लड़ा दूं, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा, और क्योंकि एज रिटन रिप्लाई ऑफ एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन इज सबमिटेड नाउ कम अप फॉर आर्गुमेंट ओवर सेड एप्लीकेशन, यानी जब रिटन स्टेटमेंट आ जाएगी तो तीन ऑर्डर होंगे, एप्लीकेशन टेम्परेरी इंजंक्शन के एप्लीकेशन पे बहस और मेंटेनेबिलिटी पे बहस, 7-11 पे बहस और साथ में ऑर्डर 10 की कार्रवाई, ठीक है, और नीचे वो कोर्ट का नाम आ जाएगा। अब जो अगला ऑर्डर देखें, तीन दिन बाद देखें, वो 2-1 का ऑर्डर था, अब पांच एक ऑर्डर देखें वो क्या है। अच्छा याद रखें, एक ऑर्डर के तीन हिस्से होते हैं, किस लिए था, किस लिए, क्या हुआ है और आइंदा क्या होगा। टुडे द केस इज फिक्स फॉर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग यानी एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज अंडर ऑर्डर 10, आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ इंस्टेंट सूट एंड आर्गुमेंट ओवर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज एज पर ऑर्डर 10 हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन अ सेपरेट शीट, वो बड़ा सिंपल सा है कि कोर्ट ने उनकी बात सुननी है और फिर उसका खुलासा लिखना है। ऑर्डर 10 रूल 3 कहता है कि उसका सब्सटेंस क्रक्स लिखना है, कोर्ट ने जरा की तरह सवाल बाय सवाल नहीं लिखना, और वो एक सेपरेट शीट के ऊपर कोर्ट जो है उसको क्या कहे, बयान अजा काउंसिल और जो वो कहेगा वो कोर्ट ने या जो कोर्ट उससे पूछेगी उसको क्या करना लिख देना है। साथ ही साथ कोर्ट वो फॉर्म जो है जो हमने अभी पढ़ने 13, 14, 15 उनको भी साथ के साथ जो है वो फिल करेगी। अब अगला ऑर्डर सुने, ऑर्डर 10 की कार्रवाई आ गई,
नाउ इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 10 ए रूल 1 क्लॉज बी ऑफ सीपीसी द केस इज हियर बाय फिक्स फॉर 8/1/2021 फॉर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अंडर ऑर्डर 11 द पार्टीज आर डायरेक्टेड टू डिलीवर इंटरोगेटरीज इन राइटिंग ऑन द सेट डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द ऑपोजिट पार्टी और एनी वन आर मोर ऑफ सच पार्टी स्टेटिंग क्लियरली विच ऑफ सच इंटरोगेट सच ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू आंसर। देखिए अब मैंने उनको ऑर्डर कर दिया कि आप अगली डेट पे अपनी इंटरोगेटरीज जो है उनको क्या करो जमा करवाओ। तो बोले आपको मेरी बात की समझ आ गई कि कैसे मैंने अपने ऑर्डर के अंदर जो है वो प्रोसीजर को जो है वो कवर किया है और मैं आपको किसके ऊपर ले आया हूँ, ऑर्डर 11 के ऊपर जो है मैं वो आपको ले आया हूँ। ठीक है लो जी, अब मैं ना कुछ भी नहीं रह गया, अब मैं ऑर्डर पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक चीज जो है वो समझ आ जाएगी, क्योंकि आप प्रोसीजर भी देख आए हो, आप उसके स्पेसिमन भी देख आए हो। तो अब ये रूल 1 जो है ना, ये रिसेंट अमेंडमेंट 2020 में आया है, अपनी सीपीसी को अपडेट कर लें, अपडेटेड लॉ खरीद लें। ये पहले लीव विद द लीव ऑफ द कोर्ट जो है पार्टीज इंटरोगेटरी दे सकती थी, लेकिन अब कोर्ट पार्टीज को ऑर्डर करेगी कि भाई अगर इंटरोगेटरी देनी है तो दे दो। The court shall direct the parties to deliver interrogatory in writing for examination of the opposite party or any one or more of such parties stating clearly which of such interrogatory is of such person is required to answer provided that the court may reject an interrogatory or impart which his opinion is not relevant to the case। ठीक है, देखें कोर्ट पार्टियों को कहेगी कि आपने इस दिन क्या करना है, इंटरोगेटरी देनी है, और अगर कोई पार्टी देती है और कोर्ट समझती है कि रेलिवेंट नहीं है तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। बच्चों बोलो रूल 1 की समझ आ गई। और फिर उसमें ये लिखा हुआ है जो स्पेसिमन देखा था कि किसने जवाब देना है वो भी मेंशन होगा, जो कौन दे रहा है इंटरोगेटरी उसका नाम भी इंटरोगेटरी में मेंशन होगा, और इसका स्पेसिमन कहाँ पे दिया हुआ है वो अपेंडिक्स सी, और उसका फॉर्म 1-2 जो है वो बेसिकली इंटरोगेटरी से डील करता है। अब आगे चलूं, कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरोगेटरीज ऑन रिसीट ऑफ द इंटरोगेटरीज अंडर रूल 1 द कोर्ट शैल डिलीवर द इंटरोगेटरी। जब एक पार्टी जो है वो इंटरोगेटरी दे देगी तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल डिलीवर द इंटरोगेटरी टू द कंसर्न्ड पर्सन फॉर सबमिटिंग द आंसर विद इन सच टाइम एज द कोर्ट मे स्पेसिफाई। कोर्ट उसको टाइम देगी कि तुम इतने दिनों में क्या करो, इस इंटरोगेटरी का जवाब दो। ठीक है, उसके बाद आगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ इंटरोगेटरीज इसको छोड़ दें। इन एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ सूट इंक्वायरी, जब कोर्ट सूट की वो करेगी कॉस्ट एडजस्ट करेगी, उस वक्त इंक्वायरी शैल एट द इंस्टांस ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी के कहने पे कोर्ट जो है प्रोपेरिटी ऑफ एग्जिबिटिंग सच इंटरोगेटरीज, कोर्ट इंटरोगेटरी के बारे में भी करेगी उसकी कॉस्ट के, एंड इट इज द ओपिनियन ऑफ टैक्सिंग ऑफिसर आर द कोर्ट इधर विद और विदाउट एन एप्लीकेशन दैट सच इंटरोगेटरी हैव बीन एग्जिबिटेड अनरीजनेबली। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि वो जो इंटरोगेटरी थी वो अनरीजनेबली दी गई या वो वेकेशियस थी या इम्प्रॉपर थी या लेंथी थी, इम्प्रॉपरली लेंथी थी, तो कोर्ट क्या करेगी, कॉस्ट ओपिनियन बाय द सेट इंटरोगेटरीज एंड द आंसर देयरऑफ शैल बी पेड इन इमेंट बाय द पार्टी इन फॉल्ट। जिस पार्टी का फॉल्ट होगा वो कॉस्ट पे करेगी। एनी हाउ इसको आप छोड़ दें। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ इंटरोगेटरीज फॉर्म 2 अपेंडिक्स सी, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, उर्दू में भी दिखा चुका हूँ, इंग्लिश में भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, कहते हैं तो मैं आपको एक दफा फिर जो है वो मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको वैसे ये दिखा चुका हूँ इंटरोगेटरी, ये देखें, ये यही था ना, ये वाला फॉर्म, ये वाला। ठीक है, और उर्दू में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखें। ठीक है, एनी हाउ आगे चलते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेशन, वेयर एनी पार्टी टू अ सूट इज कॉर्पोरेशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन whether incorporated or not empowered by law to sue or be sued whether in its own name or in the name of officer or other person any opposite party may apply for an order allowing him to deliver interrogatory to any member or officer of such corporation or body and other may be made accordingly। ये बड़ा सिंपल है कि अगर आप जिससे इंटरोगेटरी देना चाह रहे हैं, जिसको वो अगर एक कंपनी है, तो कोर्ट की इजाजत के साथ आप जिस बंदे को, जिस मेंबर या ऑफिसर को देना चाहते हैं, उसको आप इंटरोगेटरी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जरा एक मिनट ठहर जाए, ये रूल 6 ठहर जाए, आप जरा ये देखें, ये अब उसने जवाब कैसे देना उसका
इंटरोगेटरी का। एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग, इंटरोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन 10 days और विद सच अदर टाइम एज द कोर्ट मे अलाउ। तो उसने 10 दिन के अंदर अंदर उस इंटरोगेटरी का क्या देना होगा, उसने जवाब देना होगा, ठीक है, एफिडेविट के जरिए, उसने किसने, दूसरी पार्टी ने, ठीक है। तो वो हमने उसका स्पेसिमन, सॉरी ये मेरा ख्याल अमेंड हो गया, ये द इंटरोगेटरी शैल बी आंसर्ड बाय एन एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम बाय द कोर्ट। जो टाइम कोर्ट कहेगी उतने टाइम के अंदर उसने क्या करना होगा, उसका क्या करना होगा, जवाब देना होगा, ठीक है। और फॉर्म ऑफ एफिडेविट इन आंसर, एन एफिडेविट इन आंसर टू, यानी फॉर्म रूल 8 कह रहा है कि उसका आंसर किस तरह का होगा, इंटरोगेटरी शैल बी आंसर बाय एन एफिडेविट टू बी फाइल्ड विद इन, यानी एक एफिडेविट की सूरत में वो उसका जवाब देगा, और वो उसकी स्पेसिमन का है वो फॉर्म सी अपेंडिक्स सी, ये तो हम देख आए हैं ना, ये हमने देखा तो है, ये देखें ये वाला, ये आंसर वाला, ये बेसिकली इसी को वो एफिडेविट कह रहा है, इस तरह से करके जवाब देना उसका, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। मुश्किल टॉपिक था लेकिन मैंने जो है वो आपको कोशिश की है कि आपको इसकी समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद रूल 10 है, वो कहता है नो एक्सेप्शन टू बी टेकन, नो एक्सेप्शन शैल बी टेकन टू एन एफिडेविट इन आंसर बट द सफिशिएंसी आर अदरवाइज ऑफ एनी सच एफिडेविट ऑब्जेक्टिव टू एज इन सफिशियंट शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, कि एफिडेविट के बगैर जवाब नहीं लिया जाएगा। एफिडेविट का मतलब कसम खा के उसने जवाब देना है, ठीक है। तो कोर्ट उस पर कोई उसकी एक्सेप्शन नहीं होगी, उस पर कोई लचक नहीं होगी। हाँ अलबत्ता इस पर बात हो सकती है कि क्या वो एफिडेविट जो है वो क्या वो जो जवाब दे रहा है वो एक एफिडेविट की रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं करता। नो एक्सेप्शन शैल बी टेकन टू एन एफिडेविट इन आंसर बट द सफिशिएंसी आर अदरवाइज ऑफ एनी एफिडेविट ऑब्जेक्टिव टू एज इनसफिशिएंट शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। अलबत्ता कोर्ट ये देखेगी कि क्या वो एफिडेविट वाली रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं करता, ठीक है। अब रूल 11 क्या है, वो वाली बात, अगर उसने जानबूझ के फिर जवाब नहीं दिया, ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर, ये अब नई अमेंडमेंट है, ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर वेयर एनी पर्सन इंटरोगेटरी सबमिट एन इनसफिशिएंट और एज अवेसिव आंसर द कोर्ट मे रिक्वायर हिम टू सबमिट द प्रॉपर आंसर विद इन टाइम स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। कोर्ट उसको जो है वो फिर टाइम दे सकती है किसका, कि तुम इसका स्पेसिफिक जो है वो जवाब जो है वो दो, और अगर वो फिर भी उसका जवाब नहीं देता या वो उसका जवाब देता ही नहीं है तो बच्चों अब आप चलें रूल 21 के ऊपर। नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर फॉर डिस्कवरी वेयर एनी पार्टी फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर आंसर इंटरोगेटरीज और डिस्कवरी इंस्पेक्शन ही शैल इफ द प्लेंटिफ बी लायबल टू सूट डिसमिस, उसका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इफ डिफेंडेंट टू हैव हिज डिफेंस इफ एनी स्ट्रक आउट, और उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा एंड टू प्लेस इन द सेम पोजीशन एफ ही हैड नॉट डिफेंडेड, और ऐसे समझा जाएगा कि वो दावे को डिफेंड ही नहीं कर रहा एंड द पार्टी इंटरोगेटरी आर सीकिंग डिस्कवरी एंड मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एनी ऑर्डर टू अफेक्ट एंड ऑर्डर मे बी मेड अकॉर्डिंग, और वो कोई पार्टी जो है दूसरी पार्टी वो कोर्ट को कह सकती है आप इसको डिक्री करें और या इस पे जजमेंट पास करें। तो ये है उसकी पेनल्टी अगर उसके वो कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो कंप्लायंस जो है वो नहीं की जाएगी। तो बच्चों अब एक चीज रह गया, अच्छा फिर एक रूल 22 है, वो क्या कहते हैं, यूजिंग आंसर टू इंटरोगेटरीज एट ट्रायल एनी पार्टी मे एट ट्रायल ऑफ द सूट यूज इन एविडेंस एनी वन आर मोर ऑफ आंसर ऑफ एनी पार्ट ऑफ एनी आंसर ऑफ द ऑपोजिट पार्टी इंटरोगेट विदाउट पुटिंग इट टू द इन द अदर्स आर द होल ऑफ सच आंसर प्रोवाइडेड ऑलवेज दैट इन सच केस द कोर्ट मे लुक एट द होल ऑफ द आंसर एंड इफ शैल बी ऑफ द ओपिनियन दैट एनी अदर ऑफ सच देम आर सो कनेक्टेड विद those put in the last mention answer out not to be used without them it may direct them to put in। देखें कहते हैं एक document read भी as a whole, एक document को पूरा, तो interrogatories के जितने भी जवाब होंगे वो वैसे तो वैसे ही पढ़े जाने चाहिए, मिला के पढ़े जाने चाहिए, लेकिन उसकी exception ये है rule 22, ये कहता है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पार्टी इंटेरोगेटरी जो है ना उसका जो जवाब है उसको क्या कर सकती है,
अपनी क्रॉस एग्जामिन में उसको इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, डन हो गया। वो पार्टी उसको क्या कर सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। और जरूरी नहीं है कि वो उसको सारा क्वेश्चन ही पुट करे, वो उसका कोई भी हिस्सा उसको पुट कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट समझे कि नहीं, इससे दूसरा हिस्सा या दूसरा जवाब में मिला के पढ़ना चाहिए, तो फिर कोर्ट पार्टी को कह सकती है कि नहीं, आप इसके साथ अगला क्वेश्चन भी जो इंटेरोगेटरीज में लिखा है वो मिला के इसको जो है वो करें। तो यूजिंग आंसर्स टू इंटरोगेटरीज एट ट्रायल, यानी ये बताता है कि ट्रायल में वो जवाब जो है उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्डर टू अप्लाई टू माइनर, द ऑर्डर शैल अप्लाई टू माइनर प्लेंटिव्स एंड डिफेंडेंट्स एंड टू नेक्स्ट फ्रेंड्स एंड गार्डियन फॉर द सूट ऑफ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, यानी ये ऑर्डर जो माइनर्स होंगे जो थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन या लिटम पेश हो रहे होंगे उस पर भी जो है ये अप्लाई करेगा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अब जो एक चीज रह गई और वो क्या रह गई है, ये स्ट्राइकिंग आउट वाला ना, ये ऑब्जेक्शन और टू इंटरोगेटरी, एनी ऑब्जेक्शन टू आंसरिंग एनी इंटरोगेटरी ऑन ग्राउंड दैट इट इज स्कैंडलस। कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं ऑब्जेक्शन की स्कैंडलस है, रिलेवेंट आर नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइडी पर्पज ऑफ द और अदर मैटर इंक्वायर्ड इन टू आर नॉट सफिशेंटली मटीरियल, या इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, एनी अदर ग्राउंड में भी टेकन इन एफिडेविट इन आंसर, तो वो जो जवाब दे रहा होगा उसी में वो जो है वो लिखेगा। वो हमने देखा था, वो जब जवाब दे रहा था तो वो नीचे लिख रहा था आई ऑब्जेक्ट टू द आंसर, देखा, तो वो इसी में इसी एफिडेविट में उसका ऑब्जेक्शन जो है उसको क्या कर सकता है, वो रेज कर सकता है। अब ये तो हो गया ना, जवाब देते वक्त वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली भी कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है उस इंटरोगेटरी को सेटिस्फाइड करने की। देखें, एक तो ये है ना कि वो अपने जवाब में ही ऑब्जेक्शन रेज कर दे, और एक ये है कि वो इंडिपेंडेंटली कोर्ट को कहे कि ये इंटरोगेटरी जो है ना इसको स्ट्राइक आउट करें, एंड इंटरोगेटरी मे बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन एग्जिबिटेड अनरीजनेबली और वेकेशियसली स्ट्रक ऑफ ऑन द ग्राउंड दैट दे आर प्रोलिक्स अपरेसिव अननेसेसरी आर स्कैंडलस एंड सच एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पज मे बी मेड विद इन 7 days आफ्टर सर्विस ऑफ द इंटरोगेटरीज। तो जब इंटरोगेटरी दे दी जाएंगी तो उसके विद इन 7 days जो है, बेसिकली इसमें भी अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, एनी हाउ, तो वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इस इंटरोगेटरी को क्या किया जाए, सेट असाइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो सारा पढ़ लिया। तो बच्चों, हमने पढ़ा है आज इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। अभी हमने डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट जो है वो अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैंने कोशिश की आपको समझ आए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।